अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका आपके अपने चैनल जिसका नाम है रूल्स ब्रेकर। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट जरूर बताते हैं। गाइस, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ज़्यादा ज़्यादा, तो जो मेरे इजी पैसा का अकाउंट शो कर रहा है, जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, आप अपनी सपोर्ट मुझे यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। आज वीडियो देखें, काफ़ी देर बाद OST के रिएक्शन देखें। आप सबको बताएंगे, मैं काफ़ी देर से रिएक्शन नहीं दे रहा था, OST क्या कुछ भी नहीं दे रहा था, तो अब मैंने शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे रिएक्शन दोबारा से करना शुरू कर दूंगा। तो आज जो लेके हैं वो OST का रिएक्शन है, और मैं कहना चाहूँगा आप सबको जो मुझे पहले से देखें उनको पता होगा कि OST के रिएक्शन मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं करता, उसकी वजह क्या है, कॉपीराइट का इशू आता है यहाँ पर, तो मुझे वो मोस्टली फेसबुक पर ही अपलोड करने पड़ते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा मेरे फेसबुक का, या तो इसके रिएक्शन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। फुल रिएक्शन यहाँ पर आपको स्टार्टिंग और एंड ही मिलेगा। तो हम मिलकर देखेंगे आज का, वैसे जिसका नाम है इश्के लाल। सो इश्के लाल कितना लाल है ये हम देखेंगे और फिर करेंगे इसके बारे में बात। ये तरबूज की तरह लाल है या दिल के अंदर जो खून होता है उसकी तरह लाल है। तो स्टार्ट करते हैं अब। यार ड्रामे की स्टोरी जहाँ मुझे पता चली, बड़ी प्यारी सी लव स्टोरी चली सज्जल की। और पहले तो मैं बात कर लूँ इसमें जो एक्टर है सज्जल और यमुना, ये बहुत ही कहते हैं कमाल के एक्ट्रेसेस हैं। मैंने इनके काफ़ी ज़्यादा ड्रामे देखे हैं। सज्जल तो मेरी वैसे ही फेवरेट है, तो मैं तो कहना चाहूँगा कमाल हो गया ये लड़का। जो ये अजान समी खान, क्या ये वो अदनान समी खान का बेटा है या अदनान समी खान है मालूम है, अदनान समी उसका नाम मुझे पता है, क्या ये उसका बेटा है या क्या चक्कर, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन अगर ये उसी का बेटा है तो कहने जाऊँगा बहुत बड़ा इसको कहता है ब्रेक मिला है इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने का, पहला ड्रामा और वो भी इतनी दो परफेक्ट एक्ट्रेसेस के साथ करना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि चाहे हम सज्जल की बात करें या यमुना की बात करें, तो ये कमाल की एक्ट्रेसेस हैं। इनकी कहते हैं एक्टिंग के साथ अगर मैच करना हो तो इनके वैसे ही लेवल के एक्टर भी होने चाहिए, लेकिन अगर ये नया आया तो इसको उस लेवल की एक्टिंग भी करनी पड़ेगी। अब वो ड्रामा कैसा चल रहा है ये मुझे नहीं पता, तो कहना चाहूँगा जो आवाज़ मुझे लगी सॉन्ग जो OST था गाना, उस वो मुझे बहुत प्यारा लगा, उसके लिरिक्स मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे, एक कमाल की आवाज़ थी, कमाल के लिरिक्स थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से वीडियो कहते हैं इसकी OST शूट किया गया, जिस तरह से इसके OST के सीन से, वो कहना चाहूँगा मुझे अच्छा लगा देख के कि सारी प्यारी सी एक लव स्टोरी शुरू हुई सज्जल की और उसकी। सज्जल एक टीवी रिपोर्टर है जहाँ तक मुझे लग रहा है, या कह लें कि उसका भी एक यूट्यूब चैनल होगा जहाँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो टीवी रिपोर्टर है, या कह लें वो कुछ भी कह सकते हैं यार, आपको समझ तो आ गई होगी। ठीक है, ये जो समी खान है, ये अजान जो भी है, ये एक बिजनेसमैन होगा, इसको उससे मोहब्बत होती होगी, इनकी शादी होगी, काफ़ी अच्छी एक प्यारी सी रोमांटिक सी लव स्टोरी दिखाई गई है। लेकिन दूसरी साइड पे जहाँ तक बात की है यमुना की, तो यमुना एक गरीब लड़की दिखाई गई है, जो कि आपको पता स्कूल जाती होगी, काम पे जाती होगी, तो इसको रास्ते में चोर ये लड़के वगैरह छेड़ते हैं, जो ऐसा सीन होगा, इसकी शादी फिर कहीं होती होगी। ये जैन अजान के घर पे भी दिखाई गई है, तो मतलब ये वहाँ पर काम कर रही थी, क्योंकि इसने उसकी परफ्यूम स्मेल की थी या परफ्यूम देख रही थी, हाथ से गिर के टूट गई, तो मतलब ये उसके घर पर काम कर रही है, ऐसा सीन होगा इसमें। बाकी एंड में एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट दिखाया गया, जो कि मैं देख के खुद हैरान हुआ हूँ, जो कि मैं आप सबको आपने भी देख के हैरान हो गए कि इसमें आगे होगा क्या, जैसे कि मैं अभी सोच रहा हूँ। लास्ट में एक दरबार दिखाया गया है जहाँ पर अजान बैठा हुआ, ठीक है, और वहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मलंग बना हुआ कुछ ऐसा टाइप का, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि वहाँ पर सीन क्या है असल में, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कहना चाहूँगा अच्छा ड्रामा होने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट है इसमें, सारे एक्टर जितने भी दिखाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त दिखाए गए हैं, और मैं कहना चाहूँगा मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही मज़ा आया, आई होप कि आपको मज़ा आएगा, मज़ा आया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे आप रिक्वेस्ट जरूर बताते हैं। और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देखें तो कहना चाहूँगा इसका फुल रिएक्शन आपको मेरे फेसबुक पेज पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर जा चेक करिएगा। और अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो, मेरे इजी पैसा का अकाउंट ऊपर शो कर रहा है, आप मुझे यहाँ पर अपना सपोर्ट सेंड कर सकते हैं। बाकी मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियोज़ में, दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू, टेक केयर।